नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। रमकंडा से नितेश तिवारी की रिपोर्ट। 9 दिनों से साइकिल चलाकर विशाखापट्टनम से रमकंडा के रास्ते आधा दर्जन मजदूर बड़गढ़ प्रखंड अपने गांव पहुंचे। रमकंडा पहुंचे मजदूरों ने जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन के बाद कंपनी में मजदूरों को खाने पीने सहित अन्य समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। कंपनी की ओर उन्हें किसी भी तरह की मदद नहीं की जा रही। वहीं लॉकडाउन के चलते कंपनी में काम भी बंद हो गया है। कंपनी पैसा भी नहीं दे रही। जो पैसा था वह भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। वहीं कई दिनों से सरकार से घर वापसी की उम्मीद लगाए बैठे, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिलने पर उन्होंने नई साइकिल खरीद कर घर पहुंचने के लिए ठान ली। मजदूरों ने बताया कि रास्ते में कई जगहों पर खाने पीने को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर दूसरे प्रदेशों से पहुंचे प्रवासी मजदूरों के गाँव में पहुँचने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, जिससे गांव के लोगों में भय का माहौल देखा जा रहा है। बड़गढ़ जाइएगा, दिक्कत क्या हुआ आप लोग के वहाँ? अच्छा, धन्यवाद।